और सारे एसकेएम का भट्ठा बिठा दिया देश में चुनाव लड़कर, जो जो आप लोगों के या दूसरे लोगों के आपके माध्यम से आरोप आते थे कि राजनीति चमकाने के लिए दिल्ली आए, उन्होंने खुद दिखा दिया ना। तो कहने का मतलब है कि चिरोनी ग्रुप जो है पूरा तरह पॉलिटिकल विंग है, आपने नहीं पता। माइनिंग वालों के खिलाफ जो गलत काम करते हैं, यहाँ के पत्रकार कुछ साथी वहां गए कवरेज करने के लिए, गए उस मसले को उठाने के लिए, गए वहां उनके साथ झगड़ा किया गया, और झगड़ा ही नहीं किया गया बल्कि यहाँ की पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। जो गलत माइनिंग कर रहे, गलत काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अगर उन पत्रकारों को गिरफ्तार करने की कोशिश करी तो हम भी गिरफ्तारी देंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जगाधरी के पीडब्ल्यू डी रेस्ट हाउस में पहुंचे और किसानों के साथ उन्होंने बातचीत किया है। क्या मुद्दों पर बातचीत हुई है और क्या कैसे उसका हल निकलेगा, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रतन मान जी। सर, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है किसानों को लेकर, कैसे उसका समाधान किया जाएगा? सबसे प्रमुख मुद्दा है गन्ने के रेट का। सरकार ने गन्ने का रेट नहीं बताया, शुगर मिलों ने चलने एक महीना गया, उनकी पेमेंट नहीं शुरू की गई, एक मुद्दा ये है। पुराने व्हीकल है जो 10 साल पुराने सरकार बंद करने जा रही है, यानी कि वो प्रदेश की 60% जनता के मजदूरों के किसानों के काम धंधे बंद करने जा रही है, जो ऐसे व्हीकलों से अपना रोजी रोजगार कर रहे हैं। और एक मुद्दा यहाँ ये आया कि हमारे यमुनानगर में कुछ ऐसे फ्रंट ऐसे साथी हैं जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ या दूसरे के खिलाफ आंदोलन करते हैं, उनको दबाया जा रहा है। यहाँ आज उनका भी एक संगठन का विस्तार करके भारतीय किसानों के बैनर के नीचे जोड़ा जा रहा है। आज हम यहाँ आए, यहाँ पता चला कि माइनिंग वालों के खिलाफ जो गलत काम करते हैं, यहाँ के पत्रकार कुछ साथी वहाँ गए कवरेज करने के लिए, गए उस मसले को उठाने के लिए, गए वहाँ उनके साथ झगड़ा किया गया, और झगड़ा ही नहीं किया गया बल्कि यहाँ की पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। और मुझे जो बताया गया, जिन जो गलत माइनिंग कर रहे, गलत काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो जो किसान पत्रकार से जो जाति हुई है, उसके लिए भारतीय किसान यूनियन क्या करने वाला है? हम उनके साथ खड़े, अगर उन पत्रकारों को गिरफ्तार करने की कोशिश करी तो हम भी गिरफ्तारी देंगे। जो भी सरकार उनके खिलाफ करना चाहे तो हम उनके साथ खड़े, हम उनके लिए हर तरह का आंदोलन करेंगे। तो हम ये कहते आए हैं भाई, कलम पर बंदूक का पैरा इस देश में, ये उसका सीधा उदाहरण है। क्यों भाई पत्रकार गुना है? क्या कोई चीज दिखाने के लिए जाए? क्या माइनिंग वालों की इतनी है कि वो किसी पर हमला बोल दे? गुमथड़ा की वही है जो हम भी गए थे वहां, मैं भी गया था वहां, भी मौका देखने गया था इससे कोई 4-5 दिन पहले। जो सरकार ने लाखों रुपये खर्च करके वहां जो ठोकरे बनाई है, जो पानी रोकने की, वो उन लोगों ने जेसीबी तक पैड कर उसको खुर्दबुर्द कर दिया। जहां सरकार का इतना पैसा लगे, उनको कौन सा परमिट है भाई, वो सारी उखाड़ दी वहां, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता वहाँ? यहाँ का प्रशासन खामोश क्यों है? हम इन सारी बातों पे मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, उनके संज्ञान में सारे मसले को लेकर आऊंगा मैं। किसानों को मुद्दों को लेकर आप 15 तारीख को प्रोटेस्ट करेंगे, इससे पहले जो चिरोनी ग्रुप के जो किसान नेता हैं वो भी प्रोटेस्ट करेंगे, तो क्या ये अगर दोनों एक साथ होकर एकजुट होकर प्रोटेस्ट करेंगे तो लगेगा नहीं कि इससे किसानों की आवाज़ ज़्यादा बुलंद होगी और हक से आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं? भाई वो क्या प्रदर्शन नहीं कर सकते देश में? एक साथ करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा? नहीं, एक साथ नहीं करेंगे। इस देश में राजनीतिक पार्टियां बहुत है, इनेलो है, लोकदल है, बसपा है, भाजपा है, ये सारी आप देख रहे हो, कांग्रेस है, बहुत सारे दल हैं। ऐसे ही लोगों का भी एक पॉलिटिकल विंग है। अभी हाल में तो पंजाब तक चुनाव लटकाए हुए, तो अगर हम इकट्ठे करेंगे तो फिर हमने लोकदल के साथ भी कर लेना चाहिए, कांग्रेसियों के साथ भी। फिर आप फिर चिल्लाओगे हमारे पे, फिर नहीं नहीं फिर आप सवाल दागोगे, आप तो कांग्रेस के हो गए जी, आप तो लोकदल वालों के साथ काम कर रहे जी, आप तो लोकदली हो जी, क्या की आपकी भारतीय किसान राजनीतिक है? फिर आपके सवाल पैदा होंगे। आपका कहने का मतलब है कि चिरोनी ग्रुप जो है पूरा तरह पॉलिटिकल विंग है, आपने नहीं पता? अब आपने भी तो पता, पंजाब में जवानों ने जब्त करवाएगा और सारे एसकेएम का भट्ठा बिठा दिया देश में चुनाव लड़कर, जो जो आप लोगों के या दूसरे लोगों के आपके माध्यम से आरोप आते थे कि राजनीति चमकाने के लिए दिल्ली आए, उन्होंने खुद दिखा दिया ना। बहुत बड़ा डैमेज हुआ है किसान आंदोलन इस कदम पर। और आपका फिर ये सवाल है कि आप उनके साथ मिलकर क्यों नहीं करते? वो कहते थे कि टिकैत जो है, राकेश टिकैत ने लखीमपुर खीरी का जो मुद्दा था उसको मजबूती से नहीं उठाया, क्या ऐसा लगता है? कोई कुछ भी कह दे, किसी के कहने का क्या मतलब है उसका?
लखीमपुरी खीरी में कितने बार वहां जा लिए धरने प्रदर्शन भी होकर लाखों किसान वहां जाकर के प्रोटेस्ट करके आ गए हैं। न्याय उनका और क्यों नहीं मिलेगा न्याय? देखो देश की न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में मामला जा रहा। अभी परसों ही तो खबर आई माननीय अदालत ने सारी धाराओं में उनको दोषी ठहरा दिया, यानी वो जेल में भी रहेंगे और उन पर अब 302 की ट्रायल भी चलेगी। हाँ उसमें एक कमी रह रही जो प्रधानमंत्री जी है उसको दबाए बैठे हैं। अजय मिस्टर टैनी ने एक बात कही थी जो गृह मंत्री है उसने कहा था अगर मेरे बेटे पर आरोप पाए गए या कड़ी दोषी पाया गया कुछ हो गया मैं इस्तीफा दे दूंगा। इब माननीय अदालत ने वो कर भी दिया, इस्तीफा भी नहीं दे रहा और प्रधानमंत्री जी ने उसको बर्खास्त करना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए ऐसे आदमी को जिसने जिसके बेटे ने अदालत ने दोष सिद्ध भी उस पर कर दिया आरोप दोष आरोप जो सिद्ध कर दिया। तो ये हमारी मांग है और एसकेएम उसके लिए लगातार प्रयास में है लखीमपुरी के लिए हर तरीके से वह कानूनी तौर पर वकीलों के तौर पर वहां बिल्कुल सजग है हमारे आदमी। माननीय राकेश टिकैत भी उस मामले से लगातार जुड़े हैं, हम भी जुड़े हैं, सारी एसकेएम जुड़ी हुई है। लेकिन किसी ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोई इधर उधर की बात करके चमकने की आदत हो उसका भाई कोई इलाज नहीं। बाकी सब जाने किसान लोग सब जानते हैं कौन कैसा है। ठीक है ये संदेश भी हम तक पहुंचा देंगे। नहीं ये तो पहुंचने लग रहा, ये तो पहुंचने लग रहा भाई और पहुंचाना गया तो ये तो पहले ही पहुंच रहा। कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा उनके ऊपर, आरोप नहीं लगाए मैंने, मैंने वो कहा जो उन्होंने किया और जो वो कर रहे हैं। ठीक है वो 12 ना करे 13 ना करे जब भी करे, देखो लोकदल भी करती है कांग्रेस भी करती है वो प्रदर्शन वो भी करते हैं, ये भी पॉलिटिकल पार्टी है भाई, ये भी करे हमें कोई ऐतराज नहीं है इसमें। लेकिन कम से कम यूनियन की पहचान जरूर छोड़ देनी चाहिए, यूनियन की पहचान छोड़ के वो प्रदर्शन करे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपके और उससे ये देख रहा हूं कि मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो पॉलिटिकल राज यानी राजनीतिक कदम छोड़ के इस परिवार में आ जाए सबसे पहला रत्नमान उनका स्वागत करेगा। राजनीतिक मनसा छोड़ के आ जाए, आप विलय चाहते हैं कि गुरु नाम सिंह चुड़ूनी ग्रुप जो है आपके साथ मिल जाए? मैं कहता हूँ वो भी एक घंटे में हो जाए, जब हो जाए स्वागत करूंगा, हाथ जोड़ कर करूंगा, पैर पकड़ कर करूंगा और बताओ स्वागत करूंगा और अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा पूरे प्रदेश में। लेकिन राजनीतिक कदम छोड़ने पड़ेंगे ये शर्त पहले आ जाए, भाई का बहुत बहुत स्वागत करूंगा मैं। अभी आप सुन रहे थे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रत्नमान, जिन्होंने कई बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि भारतीय अगर चुड़ूनी ग्रुप जो है हमारे साथ मिल जाए तो हम उसका मोस्ट वेलकम करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनको जो है राजनीतिक कदम है वो पीछे हटाने पड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने गन्ने के मुद्दे को भी निशाने पर लिया, उन्होंने कहा है कि गन्ने के मुद्दे को लेकर दोनों जो ग्रुप है वो एक हो जाए तो उससे किसानों का बड़ा फायदा होगा और जो भारतीय किसान यूनियन है उसको भी मजबूती मिलेगी। रोजाना स्पोक्समैन के लिए परवेज खान, यमुना।